फ्रेंड्स, आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है एलामेंट। ये पीवी शैली द्वारा रचित एक कविता है। इसको उन्होंने अपने जीवन के आखिरी समय में लिखा है। इस कविता को लिखने के एक साल बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने इस पोएम के माध्यम से अपने ज़िंदगी के निराशा को व्यक्त किया है। इन्होंने बताया है कि कैसे जो इनके जीवन के दिन और रात हैं वो इनके लिए दुखदायी हो गए हैं। चाहे वो बसंत ऋतु हो या गर्मी का मौसम हो या शीतलहर हो, अब इनके हृदय को ये दुख प्रदान करते हैं। ये अपने जीवन के पहले जो व्यतीत कर चुके हैं उनको याद करते हैं और फिर अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि इस पृथ्वी पे इनके जो ज़िंदगी के जो दिन हैं वो अब शेष नहीं रहे, वो कुछ ही दिन हैं। जो प्रकृति की सुंदरता इनके जीवन को सुख प्रदान करती थी, अब वो दुखदायी हो गई है। इसमें हर एक लाइन में जिंदगी की निराशा के बारे में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं एलामेंट। पोइट बोलता है, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ दुनिया, वो जीवन, वो समय, ऑन हुज आई लास्ट स्टेप क्लाइम। वो बोलते हैं, वो दुनिया, वो जीवन, वो समय, ऑन हुज स्टेप, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, जिनके आखिरी सीढ़ियों पर, आखिरी पौदान पर मैं चढ़ रहा हूँ। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर। फ्रेंड्स, ट्रेम्बलिंग का मतलब होगा कांपना, यानी जो जीवन की आखिरी सीढ़ियों पर ये चढ़ रहे हैं, इनको लगता है कि ये दुनिया, ये समय और ये जो ज़िंदगी है, अब उसकी आखिरी सीढ़ियों पर ये चढ़ रहे हैं और जहाँ पर पहले ये चढ़ चुके थे, अब वहाँ पे ये कांप रहे हैं। ट्रेम्बलिंग, ये कांप रहे हैं ज़िंदगी की आखिरी सीढ़ियों पे। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, ये सोच रहे हैं कि हमारे जो ज़िंदगी के बीते हुए पल थे जो इन्हें सुख प्रदान करते थे, वो पुनः कब वापस आएंगे। नो मोर, ओह नेवर मोर, इनको लगता है कि जो ज़िंदगी के पल व्यतीत हो चुके हैं, जो खुशी इनको पहले मिलती थी, अब वो नहीं मिल रहा है इनको। अब ये जो दिन रात हैं क्या है, बहुत ही दुख प्रदान कर रहे हैं इनको। आउट ऑफ द डे एंड नाइट, जो ज़िंदगी के दिन और रात हैं, ए जॉय हैड टेकन फ्लाइट, और जो सुख हैं वो इनके जीवन से निकल चुका है। इनको ऐसा लगता है कि अब जो मेरे ज़िंदगी के दिन और रात हैं वो दुखदाई हो गए हैं, और जो जॉय, ये मीन्स होता है खुशी, जिनको खुशी देती थी जो दिन और रात, जिसमें इनको आनंद मिलता था, वो क्या है, समाप्त हो गया है। अब इनके जीवन में कोई भी सुख नहीं रहा। आगे की लाइनों में, फ्रेश स्प्रिंग, फ्रेश स्प्रिंग मतलब होगा बसंत ऋतु, चाहे वो बसंत ऋतु हो एंड समर, या गर्मी का मौसम हो एंड विंटर हो, या फिर शीतलहर हो। मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ बट विथ डिलाइट। मूव माई फेंट हार्ट, फेंट हार्ट का मतलब होगा फ्रेंड्स दुखी हृदय। अब जो इनका हृदय है बहुत ही दुखी हो गया है, वो कहते हैं जो बसंत ऋतु है या गर्मी का मौसम हो या फिर ठंडी हो, शीतलहर हो, इनके हृदय को बहुत ही दुख प्रदान कर रहे हैं। फेंट हृदय यानी इनके हृदय को बहुत ही दुख प्रदान कर रहे हैं। बट विथ डिलाइट, डिलाइट एंड सुख यानी इनको सुख प्रदान नहीं करते। जो जीवन का जो सुख है वो इनके जीवन से लुप्त हो चुका है, और जो प्रकृति की सुंदरता इनको सुख प्रदान करती थी, और वही प्राकृतिक सुंदरता बसंत ऋतु, गर्मी या ठंडी इनको दुख प्रदान कर रही है। नो मोर, ओह नेवर मोर, ये अपने जीवन के बीते हुए पल को याद करते हैं और कहते हैं कि नहीं, अब और नहीं, मैं उन पलों को दोबारा नहीं जी पाऊँगा। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।